I'm here. This is Aarti and you're most welcome to my another video. तो आज की वीडियो जो है ना वो मेरी होम टूर की वीडियो है जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो हमारा घर नया वाला बन रहा है वो हमने कैसे सोचा है और कैसे बन रहा है. तो बिना देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मैं दिखाती हूँ कि हमारा काम क्या क्या हो गया है, क्या क्या बचा हुआ है. तो ये जो है ये इसका मेन गेट है जहाँ से हमें एंट्री लेनी है. इसका गेट थोड़ा सा छोटा हो गया ना, मतलब यहाँ से इतना वो पता नहीं क्यों हो गया. सो पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा वरना हो गया. चलो बाकी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से इसकी एंट्री है. अभी काम चल रहा है तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं. यहाँ से हमारा बेसमेंट डालने जाने का रास्ता है एंड यहाँ से बस ग्राउंड फ्लोर पे. तो चलो पहले बेसमेंट में घुसते हैं. आयो ओफो, अभी तो भाई यार यहाँ तो मच्छर भी है. मच्छर नहीं दिखेंगे आप बट मच्छर है देखो उड़ते उड़ते. तो बेसिकली ये जो बेसमेंट है ना ये पूरा खाली रहने वाला है. यहाँ पे हमने सोचा है कि बस सोफे, जो भी गेस्ट आए या फिर मेहमान आए वहाँ पे बस दो चार सोफे और यहाँ पे इस साइड हम पूजा का घर बनाए. बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, ताकि कोई फंक्शन हो या फिर कुछ भी हो तो खुला खुला एरिया सबको मिलना चाहिए ताकि कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज अच्छे से किया जा सके. तो यहाँ पर वैसे अभी तो कुछ देखने को मिलेगा नहीं सिवाय ईंट पत्थर बोरियो वोरियो के अलावा और मच्छरों के अलावा. तो बाकी चलो अभी फर्स्ट फ्लोर पर ग्राउंड फ्लोर पर चलते हैं फटाफट. मच्छर ने तो वही बहुत मच्छर है यहाँ पे. मच्छर काट काट के. और जो ग्राउंड फ्लोर है ना उसमें हमने सोचा है कि बस किचन एंड बेडरूम होगा यहाँ पे हमने सोचा है. तो जो ये वाला एरिया होने वाला है ये हमारा किचन होने वाला है. यहाँ पे हम अब जो भी मतलब कुछ सालों बाद या महीनों बाद जो भी वीडियोज आएगी यहाँ पे हम मैं खाना बना के आपको दिखाई दूंगी. और यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे हमने डाइनिंग वाला एरिया बनाया जहाँ पे यहाँ पे बड़ी वाली टेबल जो होती है वो होगा ताकि हम पांच मेंबर ऑफ फैमिली आराम से कुछ खा पी सके और गपशप मार सके. और इसके अंदर ये बेडरूम जहाँ तक मुझे आइडिया काफ़ी छोटा है, मतलब दो लोगों के लिए तो काफ़ी है ना. यहाँ पे बेड आ जाएगा, वहाँ पे डाइनिंग ड्रेसिंग टेबल एंड यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा एलमीरा वगैरह. एंड ये वाला जो एरिया है ये वॉशरूम वाला एरिया है. एक सेकेंड टॉर्च जलाती हूँ. ये वाला जो एरिया है वो वॉशरूम वाला एरिया है और ये वाला बेडरूम वाला एरिया है. ये यहाँ पे डाइनिंग वाला एरिया है और ये वाला तो आपको दिख ही रहा है. एंड जो इसके ऊपर वाला मतलब फर्स्ट फ्लोर जो डिसाइड किया वो इसके ऊपर से डिसाइड किया गया क्योंकि ग्राउंड एंड बेसमेंट तो फैमिली के लिए हो गया, ऊपर वाला गेस्टों के लिए हो गया. तो ये वाला जो अभी प्रिपेयर हो रहे हैं ये उसी पर्पज से हो रहा है कि कोई गेस्ट आता है या कोई आता तो वो रह सके. इनका वॉशरूम यहाँ पे है एंड ये वाला एरिया थोड़ा किचन टाइप बना रहे हैं. जो किचन में रहना चाहते हैं वो किचन में रह सकते, मतलब ये पूरा ओपन रहेगा यहाँ से यहाँ तक. और नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे बस एक कमरा निकाला है ना, तो यहाँ पे एक ये वाला कमरा हो गया, ये वाला थोड़ा ऐसे दलान टाइप हो गया और एक ये बड़ा सा रूम निकाला है जो कि मैं सोच रही हूँ जब तक कोई नहीं आता है तो मैं ही यहाँ पे अपनी अपनी रील्स वीडियोस शूट कर सकूँ. बाकी आप फटाफट कमेंट करके मेरे को आइडियाज़ दो ताकि मैं यूट्यूब पे की भी वीडियोस बनाने के लिए एटलीस्ट कंटेंट हो, जब ही तो मैं यहाँ पे वीडियोस बनाऊँगी ना. जब कंटेंट ही नहीं रहेगा तो वीडियोज़ बनाने का क्या ही फ़ायदा है. ये हमारे ग्राउंड फ्लोर की गैलरी, ग्राउंड नहीं फर्स्ट फ्लोर, हाँ ये हमारी फर्स्ट फ्लोर की गैलरी है. हरा भरा अतरंगी अतरंगी मेरे नाम की तरह काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है ये मेरे को लगता है. और वैसे ये काफ़ी डर्टी भी है क्योंकि अभी सफाई नहीं हुई है. बाकी क्या बोलूँ, बाकी है ना कुछ महीनों बाद जो भी मेरी वीडियोस आएगी एस एस वाली कच्चा बादाम वाली वो सारी यहीं पर शूट होएगी. दुआ करो जल्दी कवर हो जाए. बाकी अभी इसमें काफ़ी सारे काम बहुत सारे पेंडिंग्स हैं, लाइक वो पलस्तर है, पेंट है,
नीचे टाइल्स बिछवानी है या फिर नहीं भी बिछवानी, पत्थर बिछवानी, जो भी बिछवाना है वो है। डोर्स गेट गेट लगने बाकी हैं, अंदर के इंटीरियर डिज़ाइन भी बाकी है कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ सेट करनी है, कहाँ पे कौन सी चीज़ लगानी है, कौन सी नहीं लगानी है। तो बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे यहाँ से ऐसे खिड़कियाँ निकाली ताकि थोड़ी बहुत रोशनी आती रहे, और बस इतना ही है। बाकी छत है, छत की मोंटी तैयार हो रही है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये हमारा टेरेस वाला एरिया है। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही है, ये मोंटी बन गई हमारी। और चलो छत पे भी काम चल रहा है। ओपन टेरेस, ये हमारी बहुत ही बन गई, उस साइड छज्जा सा है। और ये देखो आ रहे टिप्सी, टिप्सी आ जा ऊपर, टिप्सी 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 टिप्सी। उसे पता है ये बाहर आ रही है, बट मैं चाहती हूँ ये अंदर ही आ जाए। आ जा टिप्सी बाबू, टिप्सी आ जाओ। सीटी बजा रहा है ये तो अपनी नाक से। टिप्सी